हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन 5, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा चार खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। ये एक सारणी दी हुई है जो अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग खेलों में कितने नंबर आए हैं उनको दर्शा रही है। ठीक है, सारणी मतलब निर्देश। तो देखो, 3 खिलाड़ी है ए बी और सी और 4 खेल है खेल 1, 2, 3 और 4। तो इन 3 खिलाड़ियों के 4 खेलों में कितने कितने नंबर है वो इस सारणी में हमें दिखाए गए। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस सारणी को देखते हुए हमें इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला कहता है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। कि ये हर एक खेल में जो ए ने जितने भी अंक अर्जित किए हैं, मतलब ए को जितने भी नंबर मिले हैं, उसका औसत निकालने के लिए हमें माध्य निकालना है। किसका? ए के अंकों का। ठीक है, तो देखो ए किसी भी आंकड़े का माध्य ज्ञात कैसे करते हैं हम? अब देखो ए के अंकों का माध्य निकालना है। तो ए मेरा खिलाड़ी, इसके ए पहले खेल में 14 नंबर है, दूसरे खेल में 16, तीसरे खेल में 10 और चौथे खेल में भी 10। तो ए के अंकों का माध्य निकालना है। ब्रैकेट में लिखेंगे ए खिलाड़ी का निकालना है। तो माध्य कैसे करेंगे? कुल अंक और बटे में खेलों की संख्या। चारों खेलों में कितने नंबर आए हैं उनका कुल करना है, जोड़ करना है और बटे में खेलों की संख्या। तो कितने कितने नंबर है? 14, 16, 10 और 10। और खेल कितने हैं? 4 खेलों हैं, तो बटे में खेलों की संख्या। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे तो एक जो अंक है उनका माध्य हमारे पास आ जाएगा। इसको हल आपको खुद से करना है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से और क्यों? क्या कह रहे हैं कि सी जो है, ये सी खिलाड़ी है, इसके अंकों का अगर हमें माध्य निकालना तो हम जैसे बटे में खेलों की संख्या इसीलिए हमने 4 करी थी और हम कह रहे हैं कि 4 खेल हुए हैं, तो क्या सी के अंकों का माध्य निकालने के लिए भी हम 4 से ही भाग करेंगे नीचे या फिर 3 से भाग करेंगे? ये पूछा है। तो देखो सी ने 1, 2 और तीसरा खेल खेलाएंगे फिर 3, तो सी ने कुल 3 ही खेल खेले हैं। तो हम बटे में क्या करते हैं कि खेलों की संख्या की, उसने कितने खेल खेले हैं? उसने तो 3 ही खेले हैं, तो हम नीचे 4 से भाग ले देंगे। सी का माध्य जब ज्ञात करेंगे तब 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हम 3 से भाग देंगे। और क्यों? वो आपको लिखना है खुद, क्योंकि सी ने सिर्फ 3 ही खेल खेले हैं, तो इसलिए हम उसके माध्य ज्ञात करने के लिए 3 से भाग। ठीक है, तीसरा देखो, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? कि जो बी खिलाड़ी है उसने 4 खेलों में भाग लिया है तो उसका भी माध्य निकालना है। तो वही तरीका है माध्य निकालने का जो आपको बताया है। तो माध्य कौन सी खिलाड़ी का निकाल रहे हैं? हम बी खिलाड़ी। तो बी खिलाड़ी के अंकों को जोड़ लो 0, 8, 6 और 4। तो 0 जमा 8 जमा 6 जमा 4 और बटे में खेलों की संख्या, 4 खेल खेले हैं इसने तो बटे में 4। तो इसके सारे अंकों को जोड़ कर मैं 4 से भी भाग दे दें तो बी खिलाड़ी के अंकों का माध्य आ जाएगा। तो इसको हल आपको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? कि ये जो 3 खिलाड़ी हैं ए बी और सी, इनमें से सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? तो हम तीनों खिलाड़ियों का माध्य जो है उसको देखेंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा माध्य का जो मान है वो कौन से खिलाड़ी का है। जिसका माध्य का मान सबसे अधिक आएगा वही उसी खिलाड़ी का, हम कहेंगे कि वही उसी खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ठीक है, तो देखो ए का माध्य तो
तीन से भाग देंगे क्योंकि इसने तीन ही खेल खेले हैं। अब इसको हल कर लेंगे, इसको 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 तीनों खिलाड़ी के जो मान है इनका हल करना है और फिर जिसका मान सबसे ज्यादा आएगा उसका हम फोर्थ पार्ट का आंसर लिख देंगे कि जिसका भी मान सबसे ज्यादा आएगा मान देगा कि उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इसको आगे का हल आपको खुद करना है, इसको अच्छे से समझना है, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट।